लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। सूत्रों के अनुसार आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया इसको। मोहम्मद मुइज मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह की चुनाव में हार हुई। मुइज को 18,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। नतीजों के बाद इब्राहिम सोलिह ने स्वीकारी अपनी हार। मुइज को दी गई जीत की बधाइयां। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। संसद में फंडिंग बिल को दी गई मंजूरी। हांगकांग के नेता जॉन ली ने आधुनिक चीन की स्थापना की 74वीं वर्षगांठ पर फहराया झंडा। बोले हांगकांग महामारी से उभर चुका है। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सेनेटर डायने फिनस्टीन की 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। जंगलों में आग लगने से खतरा काफी बढ़ गया है। न्यूयॉर्क में गोताखोरों की वजह से प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा खतरा। मछली पकड़ने के लिए महासागर में जाते हैं मछुआरे। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हुआ युद्ध। रूस की सेना का दावा है यूक्रेनी गोला बारूद डिपो का तहस नहस कर दिया गया। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी। जो बाइडेन ने प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा। बोले यूक्रेन हथियारों और रक्षा प्रणालियों के प्रमुख उत्पादों में से एक बन जाएगा। चीनी में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति बोरेक का किया समर्थन। राष्ट्रपति भवन के बाहर की नारेबाजी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर फहराया गया चीनी झंडा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसराइल में न्यायिक बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 39वें सप्ताह से जारी है विरोध। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्विट्जरलैंड के बर्न में 60,000 से ज्यादा लोगों ने किया विरोध। जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर सख्त नीतियों की कर रहे हैं मांग। चीन 2024 में लॉन्च कर सकता है चांग-ई-6। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के लिए चुटकी। मंच पर भ्रमित होने का किया नाटक। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे ट्रंप। इटली के एक द्वीप पर नाव में लगी आग। सुरक्षा दल ने 77 लोगों को रेस्क्यू किया। आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ बरसात से तबाही का मंजर। शहर में इमरजेंसी लागू। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क में भारी बरसात से हालात बहुत खराब हुए। सड़कें जलमग्न है। गाड़ियां डूबी हुई। लोगों के घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। न्यूयॉर्क में बरसात से सड़कों पर दिखा सैलाब। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लग गई है। भारी बरसात से न्यूयॉर्क में हालात बद से बदतर हैं। सड़कें तालाब में तब्दील। कई इलाकों में सड़कों को बंद किया गया। न्यूयॉर्क में बरसात का जो पानी है इमारतों में जा घुसा है। अस्त व्यस्त हो रहा है जनजीवन। न्यूयॉर्क में बाढ़ बरसात से तबाही का मंजर। मूसलाधार बरसात से मेट्रो सेवा प्रभावित। सड़कों पर तैरता नजर आया मलबा। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन इलाके में बरसात से कई सबवेज और रेलवे लाइंस बाधित हुई हैं। कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। ऑस्ट्रेलिया के बॉटनी बे में व्हेल मछली से टकराकर नाव पलटी। इसमें एक शख्स की मौत हुई। एक गंभीर तौर पर जख्मी। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली से अपने दूतावास को बंद किया। मेजबान सरकार से समर्थन की कमी को बताया वजह। लिखा मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। कैलिफोर्निया में अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा है मधुमक्खी का पालन। सेंसस से किया जा रहा है पालन इनका। अमेरिका में घुसपैठ करने वाले दो मेक्सिकन नागरिकों को सेना ने ढेर किया। 3 लोग हुए घायल। स्पेन में भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार। समुद्र किनारे पहुंच रहे हैं लोग। कई इलाकों में आग लगने की आशंका। अलर्ट जारी। ब्राजील के मनाउस में सूखे की मार झेल रहे हैं लोग। 16 नगर पालिकाओं में आपातकाल का ऐलान। तो वही रूस के राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन जिसमें यूक्रेन के 4 कब्जे वाले क्षेत्र पर रूस के दावे की पहली वर्षगांठ मनाई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोप से प्रवासियों पर इटली ग्रीस स्पेन के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। कैलिफोर्निया में अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा है मधुमक्खी का पालन। सेंसस से किया जा रहा है ये पालन। द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे जापानी विमान का किया गया सर्वेक्षण। वीडियो सामने आया है। ब्रिटेन के लिवरपूल में स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई। कई लोग घायल। दक्षिण डकोटा में लुप्त हो रही प्रजातियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 1500 से ज्यादा बाइसन के झुंड को इकट्ठा किया गया। लेबनन में अजरबैजान की दूतावास के बाहर प्रदर्शन। आर्मेनिया के लोगों ने विरोध किया। अजरबैजान के खिलाफ नारेबाजी जमकर हुई है। ग्रीस में लगातार बरसात के बाद अचानक आया पानी का सैलाब। खिलौने की तरह बहती नजर आई गाड़ियां।
ग्रीस की बाढ़ में एरियल तस्वीर देखिए आप। ड्रोन तस्वीर में चारों तरफ पानी का कब्जा है, जनजीवन पर बुरा असर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी कैंपेन में जुटे हैं, ऑटो पार्ट सप्लायर की दुकान का दौरा करते दिखे। ग्रीस के वलोस में जलजमाव की वजह से बुरा हाल हुआ है, कई जगहों पर घरों में नुकसान पहुंचा है। कुवत के रेस्टोरेंट में खास अंदाज में खाना परोस रहे हैं रोबोट्स, रोबोट्स की मेहमान नवाजी को लेकर ग्राहकों में बहुत ज्यादा उत्साह है। ग्रीस में बरसात के बाद दिखे तबाही के निशान, सूने पड़े कई गांव, लोगों के घरों में कीचड़ का अंबार।